तो गाइज़ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सस्ता स्मार्टफोन ढूंढने के लिए। तो गाइज़ देख सकते हैं हमारे पास इस समय तीन मोबाइल आपको दिख रहे होंगे, रेडमी का लेके आए हैं, बहुत ही सस्ता मोबाइल आपको मिलने वाला है। अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे पास तीन मोबाइल आए हुए। जैसे कि अगर आपको जियो का लेना बहुत सस्ता मोबाइल, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जियो डिजिटल लाइव करके फ़ोन आया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है भारत 2 और वोल्टी LTE फ़ोन है, जिसमें आपको क्या होगा 2 जियो सिम आप चला सकते हैं इसके अंदर। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जियो डिजिटल लाइव गाइज, ठीक है। तो एक तो ये वाला फ़ोन हो गया, एक दूसरा जो फ़ोन मेरे पास आया 3 GB रैम में, आपको ये बहुत ही सस्ते मोबाइल हैं गाइस। आपको ध्यान से आपको वीडियो देखनी है थोड़ी सी, ये देख लें, ये पे लिखा हुआ है 3 GB रैम और कैनवास एक्सप्रेस 4G है। और तीसरा जो मोबाइल मेरे पास आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गाइस, मेरे पास है रेडमी का फ़ोन और इसका मॉडल नंबर है A1। तो ये गाइस ये तीनों मोबाइल मैं इसलिए लेके आया हूँ, ये बहुत ही सस्ते हैं और आपके एवरेज में आ जाएंगे। तो गाइस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और आपको ये भी बताऊँगा कि इतना सस्ता मोबाइल आप ले भी सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको ये फ़ोन लेना है। तो चलिए गाइस एक बार आपको मोबाइल सबसे पहले ये वाला दिखाएंगे, जियो का मोबाइल मेरे पास आया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक में आपको कैमरा मिल जाता है, और इधर से आपको देख सकते हैं बैक में भी आपको कैमरा मिलता है विद फ्लैश के साथ में, और ये माइक्रोमैक्स लिखा हुआ है, और एक स्पीकर भी साथ में यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला फ़ोन है, और इसमें आपको अगर एक दिखाऊँ तो आपको LG 3500 का आपको चार्जर मिल जाता है और 3.5 mm का ऑडियो जैक के साथ में आपको ये फ़ोन मिलता है। तो इसमें आपको मैं बैटरी डाल के दिखाता हूँ, और ये सस्ता मोबाइल है, इसके आपको फीचर्स वगैरह सारे बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले भी सकते हैं गाइस, ठीक है। अगर ये वाला मोबाइल आपको नहीं अच्छा लगता है, ये छोटा है, डिस्प्ले छोटा है, तो मैं आपको बता दूं, वैसे ये आपको जियो का मिलेगा फ़ोन। ये देखो लिखा है जियो डिजिटल लाइफ, तो इसमें 2 जियो सिम आप चला सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 3 GB रैम मिलने वाली है, और ये मोबाइल मैं आपको दिखा दूं एक साथ तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो गाइस ये वाला फ़ोन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये वाला फ़ोन मिलने वाला है, 5.5 इंच की डिस्प्ले में आपको ये फ़ोन मिलेगा। तो मैं आपको एक बार फ़ोन दिखा दूँ, तो सबसे पहले आप फ़ोन देख लीजिए कुछ इस तरीके का। इसकी अगर स्लिम वाइज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्लिम में मोबाइल मिलता है। इधर आपको एक यहाँ पर कैमरा मिल जाता है, और एक फ्लैश लाइट साथ में मिल जाती है, और माइक्रोमैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका जो स्पीकर है उसी के जैसे आपको बहुत ज़्यादा इसमें फास्ट मिलने वाला है। तो गाइस इसकी जो डिस्प्ले है वो 5.5 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और फ़ोन बहुत ही सस्ता है गाइस, ठीक है। तो तीसरा फ़ोन भी है मेरे पास जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत ही सस्ता मोबाइल है। मैं आपको दिखाऊँगा इसमें बैटरी डाल के भी दिखाऊँगा, और सारे आपको वो भी दिखाता हूँ। तो इनमें आपको क्या क्या मिल रहे हैं ये चीज़ आपको पहले एक बार दिखा दूँ। इसमें जो आपको सबसे पहले मैंने आपको बैटरी दिखाई थी, जो बैटरी आपको ये वाली मिली है, ये 1700 mAh की आपको बैटरी इसमें मिल जाती है, जो कि आप इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1750 mAh की बैटरी है। इसको भी अभी मैं डालूंगा तो आपको एक बार दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस एक बार मैं आपको इसके अंदर का सामान दिखा देता हूँ। सामान आपको अंदर मिलता है, आपको LG 3500 का आपको केबल मिल जाती है, और एक अडेप्टर मिल जाता है। अडेप्टर के साथ में आपको यहाँ पर एक जो बुकलेट होती है इनकी, वो आपको मिल जाती है। तो चलिए गाइस ये तीन सामान इसके अंदर निकले हुए हैं, और मैं इसके आगे फ़ीचर्स भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको एक बार इसमें जो बैटरी है वो डाल के दिखाऊं, फिर मैं आपको आगे का बताता हूं। तो दूसरे फ़ोन में भी तो गाइस साथ में आपको मैं इस फ़ोन के अंदर भी दिखा दूं क्या क्या आपको मिलेगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको बुक करना है तो कैसे। इसमें बहुत सारा सामान आपको मिला हुआ है, जैसे कि आपको एक तो यहाँ पर हैंड फ्री मिल जाती है, और हैंड फ्री के बाद आपको एक यहाँ पर केबल मिलती है। केबल में आपको 3.5 mm का ये LG 3500 की आपको केबल मिल जाती है, और एक अडेप्टर यहाँ पे साथ में आपको मिल जाता है, जो कि पैकिंग में आपको पूरा का पूरा पैकिंग में मिलेगा। और यहाँ पे एक जो बैटरी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बैटरी आपको 2000 mAh की मिलेगी, ये वाली आपको बैटरी 1750 mAh की मिली थी। इसका मॉडल नंबर है Q402+, और इस वाले का है Q413। तो गाइस दोनों का मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टेम्पर्ड वगैरह आपको साथ में मिल जाता है इस वाले फ़ोन के अंदर। तो गाइस मैं एक बार आपको बैटरी डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बैटरी डालने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 2 SIM डालनी है, दोनों आप जियो सिम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Q402+ इसका मॉडल नंबर है। मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब, ये सारी चीज़ें इन फ़ोन में आप चला सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला जियो का फ़ोन है, तो 2 जियो सिम आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये वाला माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, माइक्रोमैक्स का ये भी है, लेकिन माइक्रोमैक्स और जियो ने इसको मिलकर बनाया होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है, तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको तीसरा फ़ोन भी दिखाने वाला हूँ, जो कैनवास एक्सप्रेस 4G है। तो गाइस वो कुछ 5.5 इंच की आपको डिस्प्ले में मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है Redmi A1। तो गाइस इसमें मैंने अभी इसको खोल दिया और बैटरी यहाँ से लगा दिया है। तो बैटरी लगा के इसको एक बार चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब तक इसमें जियो सिम नहीं डालेंगे तो ये चालू नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे चालू हुआ है, और इसको अभी रख देते हैं क्योंकि कुछ टाइम लगता है चालू होने में, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा फ़ोन भी मैंने यहाँ पर खोल रखा है, आप देख सकते हैं आपको 2 SIM यहाँ डालनी है, और एक यहाँ पर मेमोरी कार्ड भी आप डाल सकते हैं, और इसका जो मॉडल नंबर है वो लिखा हुआ है गाइस यहाँ पर।
तो गाइस कुछ इस तरीके से, तो मैं इसकी भी एक बार बैटरी डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोनों फ़ोन कुछ इस तरीके से, देखो अभी ये नया फ़ोन है, ये कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताऊँगा। आपको अगर ऐसे की ज़रूरत है तो आपको ऐसा फ़ोन लेना है तो देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर सील लगी हुई होती है, तो कुछ इस तरीके का फ़ोन है, ठीक है। तो इसमें बैटरी लगाता हूँ और जब तक ये वाला फ़ोन ऑन हो चुका है, इसके मैं आपको अंदर के फीचर्स सारे बता देता हूँ और आपको फ़ीचर्स भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है डिवाइस लॉक, प्लीज़ इंसर्ट योर वैलिड जियो सिम। आप जब तक जियो सिम नहीं डाल सकते तो गाइस ये फ़ोन आपको चालू नहीं होगा। कुछ इस तरीके का आपको ये फ़ोन मिलता है, तो गाइस आपको जियो सिम ही डालनी होगी जब ये चालू होगा। तो गाइस अभी मेरे पास तीसरा फ़ोन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है, कैसे लेना है। तो गाइस जब तक मैं आपको इसके फ़ीचर्स कुछ हैं जो वो बता दूँ आपको, तो गाइस ये वाला जो मॉडल नंबर आपको बताऊँ, Q402+ इसका मॉडल नंबर है और 1GB आपको इसमें रैम मिलेगी और 8GB का इंटरनल मेमोरी कार्ड मिलेगा, 1700mAh की आपको बैटरी मिलेगी, क्वाड कोर आपको प्रोसेसर मिलने वाला है, 5MP का आपको विद फ्लैश के साथ में आपको कैमरा मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ से मैं एक बार दिखा पाऊँ। तो जैसे यहाँ पे ये फ्लैश का काम करेगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 1GB और 8GB है, फुल वोल्टी LTE फ़ोन है, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा, प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे GPRS की सिस्टम आपको बहुत सारे जो अदर में फीचर्स है वो सारे मिलते हैं। GPRS है, 1700mAh की आपको बैटरी है, Q402+ इसका मॉडल नंबर है और गाइस ये बहुत ही सस्ता है। तो जब गाइस इसकी लॉन्चिंग हुई थी तब ये गाइस बहुत ही सस्ता मोबाइल आया था, 1800-2000 रुपये का मोबाइल आया था, लेकिन अब इसका रेट बढ़ गया है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4499 रुपये। फ़ोन गाइस जियो की कंपनी की तरफ से निकाला गया था 2000 रुपये का। तो गाइस अभी इसमें MRP 4499 रुपये है, लेकिन आपको अभी भी अगर ये फ़ोन कहीं मिलता है तो ये सस्ता ही मिलेगा गाइस, ठीक है। तो 2500-3000 के आसपास में मिल जाता है, तो ये फ़ोन अच्छा है। इससे भी सस्ता आपको ये वाला फ़ोन मिलेगा। कैसे आपको मिलेगा ये मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको 3GB रैम मिलती है गाइस, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता पाऊँ, यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको 8MP का कैमरा मिलने वाला है और यहाँ 3GB आपको रैम मिलती है, 16GB का इंटरनल मेमोरी कार्ड आपको मिल जाता है, क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है आपको गाइस, ठीक है। 2000mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और वाईफाई से लेके कनेक्टिविटी, आपको सारी कनेक्टिविटी आपको इसमें साथ में मिल जाती है। तो गाइस कुछ इस तरीके का ये फ़ोन था और ये फ़ोन गाइस आपको सस्ता इसलिए मिलता है कि बहुत सारे फ़ोन हैं जो रह जाते हैं, जो बिकते नहीं है गाइस, तो क्या करते हैं ये वाले आपको कम रेट में आपको फ़ोन ये मिल जाते हैं गाइस, ठीक है। बेस्ट फ़ोन मैं आपको बताता हूँ ये वाला है, तो अगर आपको फ़ोन लेना है तो आपको ये वाला फ़ोन लेना होगा। यहाँ पे दिख रहा है रेडमी का A1 मोबाइल गाइस मेरे पास आया हुआ है, रेडमी A1 है और यहाँ पे नंबर 1 ब्रांड है और इसका आपको जो सब देख सकते हैं, यहाँ पे 5000mAh की आपको बैटरी मिलती है, डुअल आप कैमरा मिलता है जो कि 8MP आपको कैमरा मिल जाता है, वोल्टी वाईफाई फ़ोन मिल जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको 5MP का आपको कैमरा मिल जाता है, SD कार्ड आप लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड आपको लगाने को मिलेगा और 2 SIM कार्ड आपको लगा, USB सपोर्ट करता है गाइस, वाईफाई भी आपको मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। तो गाइस कुछ इस तरीके का था ये फ़ोन गाइस, अगर मैं बात करूँ तो 6000 रुपये का मिलता है, मैंने अमेजोन पे अभी सर्च किया है, तो गाइस इस वाले फ़ोन को आप ले लेना। बाकी ये वाले फ़ोन अगर आपको नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला फ़ोन आपको मिल जाएगा, तो गाइस ये वाला फ़ोन आप ले लेना तो ठीक रहेगा गाइस, ठीक है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हर जगह आपको ये अवेलेबल है, तो ये फ़ोन आप ले लेना, ये अच्छा फ़ोन है गाइस, ठीक है। गाइस अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना।